हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज बनाएंगे लाजवाब भिंडी, बिल्कुल जैसे मेरी मम्मी बनाया करती थी, बिल्कुल ऐसे ही प्याज से और कच्चे आम से भिंडी बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, हर कोई पसंद करेगा। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंगे आधा किलो भिंडी, 7-8 प्याज और इन्हें अच्छे से छील लेंगे। फिर लेंगे कच्चे आम भी, 3 हरी मिर्चें या 4 भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भिंडियों को अच्छे से धो लिया है, पहले धोना होता है काटने से पहले, नहीं तो ये पानी छोड़ देती हैं। प्याज और हरी मिर्च को भी काट लिया है, ये कामी ली है खट्टे वाली कच्ची, उसे भी काट लिया है। बहुत टेस्ट आता है इसे डालने से। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक एक चमचा तेल डालेंगे और मोटे तले की कढ़ाई लेनी, क्योंकि भिंडी हमेशा भाप में बनती है। अच्छे से गर्म होने पर जीरा डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज को अच्छे से, हरी मिर्च भी साथ ही डाल लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे, सुनहरा होने तक भूनते रहेंगे। ऐसे भिंडी में दही नींबू वगैरह भी डालते हैं, लेकिन जो कच्चे आम से टेस्ट आता है ना, वो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। मैंने सब तरीके से बना के देखी है और पहले मैं खुद घर में सब चीज़ें ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, और ये उसके बाद ही कोई रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए मुझे। अब इसमें कच्चे आम वगैरह भी डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें भिंडियाँ डाल लेंगे और भिंडी के ऊपर फिर नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है वाकई में भिंडी। मैं तो सच में, मेरा बेटा तो मतलब भिंडी को इतना पसंद भी नहीं करता था, लेकिन ऐसे बनाती तो बहुत टेस्ट, बहुत अच्छे से खाता है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा जो भी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर रही हूँ, वो सब मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ और खुद पहले बना के खा के देखती हूँ कि वो टेस्टी है नहीं। कोई भी झूठ नहीं होता है, जो है बिल्कुल सच्चाई के साथ ही कुछ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ ट्राई करिए इसी तरीके से, आप सच में वापस आएंगे मेरे चैनल पर और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है, इतना विश्वास है। अब इसे अच्छी तरह सब चीज़ 5 मिनट ढक के पकाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। 5 मिनट ही लगते हैं बस, वो बहुत टेस्टी लगती है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।